देखा आपने हया ने क्या किया, ना वो नौरे से ऐसा कुछ कहती, ना वो बजिद होते मुझसे शादी करने के लिए, और ना अचानक से मेरी शादी तय हो जाती, ना मैं और अनस ऐसे दौराए पे आके खड़े हो जाते जहां आगे नौरे इस नाम की खाई और पीछे भाग जाने का खड्डा। ना तुम खाई में गिरोगी ना खड्डे में। आपने भाई से बात की? की बात आपने, या फिर आप इंतजार करिए मेरी लाश के रुखसत होने की। कैसी बातें कर रही हो तुम, खुदकुशी हराम है मरियम। जिंदगी भी तो हराम हो गई है मेरी, हर वक्त नौरेज नामी तलवार लटकी रहती है मेरे सर पे। मेरा बाप मेरे लिए भाई से दो लफ्ज नहीं कह सकती। कह दिए। क्या कहा भाई ने? तुम कहाँ जा रहे हो? मरियम के पास। क्यों? मुझसे मैंने पूछा क्यों? उससे पूछने जा रहा हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई कि उसे हमारी इज्जत का भी लिहाज ना रहा। उसने सिर्फ मोहब्बत की है। और इसकी इजाजत किसने दी उसे? मोहब्बत करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती है मुत्तसिम। ये तो एक एहसास है, इसका इल्हाम कब किसको कैसे हो जाए तो नहीं पता होता। अगर किसी इंसान को ये पता हो कि वो किसी की बेटी, किसी की बहन, एक घर की इज्जत है, तो वो अपनी नजर को काबू में रखता है, और इस बात की तारीफ इस खानदान में हर मर्द और औरत को दी जाती है। फिर वो अपना सबक कैसे भूल गई? उसको उसका सबक याद दिलाना होगा। प्लीज, उसने मुझे हमराज बनाया, इस बात को आम मत कर। उसने मुझ पे भरोसा किया। ठीक है, तो फिर बात खत्म। ना तुमने मुझे कुछ कहा, ना मैंने कुछ सुना। उसकी शादी इस महीने के आखिर में नौरे से होगी। इससे मैं एक दफा उस लड़के से मिल तो लो तुम। मिल चुका हूँ, नौरे से बहुत अच्छा लड़का है। बस बस मेरा, और प्लीज इस सारे मामले से दूर रहो। मैं किसी को भी किसी किस्म की कोई सफाई पेश नहीं करूंगा। प्लीज। इतने इंतजार के बाद लाई भी तो क्या आप? इनकार? इतने बड़े बड़े वादे किए थे आपने मुझसे। मरियम, मैं अभी भी यही कह रही हूं, मैंने वादा किया है तो मैं निभाऊंगी। तो फिर बताइए मुझे, बताइए कब भागूं? आज रात, कल या नौरे से शादी वाली रात भाग जाओ, या तो कह दीजिए, मुकर जाइए आप। कहें कि मरियम बोल दो कबूल के दो बोल, अब कुछ नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे यकीन है मैं मुर्तसिम को कन्विंस कर लूंगी, वो मान जाएगा। जरा थोड़ी बात आगे चली जाए, उसको सोचने का भी वक्त मिल जाएगा। ये सब उस हया की वजह से हुआ है। ना वो नौरेज का रुख मेरी तरफ मोड़ती, ना माँ बेगम और भाई मेरी तारीख पक्की करते, ना मैं जिससे मोहब्बत करती उसे खोने का डर होता मुझे। मीरा, आप मुर्तसिम भाई को कभी मत छोड़िएगा। ये सब उसने मुर्तसिम भाई के लिए किया है, उसने अपनी जान बचाई है। वो मुर्तसिम भाई को हासिल करना चाहती है, यही मकसद है उसका। वो आपको इस घर से निकालना चाहती है, आप उसे उसके मकसद में कामयाब होने मत दीजिएगा। उसने मेरी मोहब्बत छीनने की कोशिश की है, उसको भी उसकी मोहब्बत नहीं मिलेगी। मीरजान, मत रो प्लीज, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने कहा है ना, तुम्हारे लिए। और मैं फिर कह रही हूं, जो वादा मैंने किया है ना, मैं जरूर निभाऊंगी। तुम और अनस एक हो जाओगे, लेकिन प्लीज ऐसे मत रो, मत रो ऐसे। Thank you.
खाया? अभी ये मिसाल तुम पे बिल्कुल ठीक बैठती है, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारना। मिसालें कस गया मुझ पर। रुक जाओ आया, तुम ठीक नहीं करे, अपने प्यारों को अपने से जुदा मत करो वरना अकेली रह जाओगी। सच कहती हूँ, देखो ना मेरा आज मुझसे मेरी सबसे करीबी दोस्त, मेरी सगी बहनों से बढ़कर बहन मुझसे जुदा हो गई। बोल रही थी कि तुम मेरी कुछ नहीं लगती, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है हया, मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती हूँ। बोला तो ये सब उसने मुझसे, लेकिन याद तुम रखना क्योंकि ये सब मेरे साथ तुम्हारी वजह से हुआ है। मीरब तुमने मुझसे मुर्तसिम जैसा दोस्त छीना, माँ जैसी माँ बेगम को मुझसे बदजन किया, वकास चचा जैसे बाप का साया छीना मुझसे, और अब मेरी बहन को मेरे खिलाफ कर दिया। सब तुमने किया मीरब। हया पता बात क्या है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, इनफैक्ट तुम दूसरों के साथ बुरा करते करते खुद के साथ बुरा कर बैठी हो। अब कसम खा के कहती हूँ, तुम्हें भी इसी तरह खाली दामन खाली हाथ बिना किसी रिश्ते बिना किसी ताल्लुक इस दुनिया में अकेला छोड़ दूंगी मैं। तुम्हारा प्रॉब्लम पता क्या है, तुमने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ मुर्तसिम बनाया हुआ है। कितना दिलकश मकसद है ना, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो तुमसे मोहब्बत करता है और ना ही तुम्हें चाहता है। मोहब्बत तो वो तुमसे भी नहीं करता। और अगर मैं ये कहूं कि वो मुझसे बे इंतहा मोहब्बत करता है तो ऐसा नहीं। शादी उसने तुमसे सिर्फ माँ बेगम के कहने पे की है, मजबूरी में। तुम्हारी गलत फहमी है। अच्छा, अगर ऐसा है तो आजमा कर देखते हैं। आजमा लो। ठीक है, मरियम नौरेस से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन जिससे करना चाहती है मुर्तसिम को उसके लिए मनवा कर देखो, फिर पता चलेगा तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं। क्या जानती हो तुम? ज्यादा कुछ नहीं, बस ये जानती हूँ मरियम के इनकार की वजह कोई और है। कौन है, कैसा है, क्या करता है, ये तो तुम्हें मालूम होगा, या फिर मरियम को। और वैसे तो अब उसने मुझे बहन के रिश्ते से आग कर दिया है। तो मीरब तुम खानदान से बाहर उसके रिश्ते की बात चलाओगी। इतने वसूख से कैसे कह सकती हो? मैंने पूछा क्या जानती हो तुम? मीरब मुर्तसिम नहीं मानेगा, बस इतना जानती हूँ। बहुत प्यारे माशाल्लाह, वो भी कितना अच्छा लग रहा है। सुनो, इसको यहाँ रखो और ऊपर से जाके चूड़ियां ले आओ। जा। तुम कहाँ चले इतनी जल्दी में? यहाँ आओ।
कहाँ जा रही हो? मुर्तज़िम के पास। जान बख्श देना उसकी अब, ये बाकी सब तो तुम कर गुजरी जो करना चाहती थी। आपको कोई काम है तो बताएं। अच्छा, इस घर की बहू हो तुम, मेरे इकलौते बेटे की अनोखी बीवी। तुम्हारी नंद की शादी है, कोई दिलचस्पी लो, कोई तैयारी करो, कोई तवज्जो दो इस घर पे। मां बेगम, आपको दिख नहीं रहा मरियम इस शादी से खुश नहीं है। नौरेस को नहीं चाहती हूँ, आपकी एक इकलौती बेटी है, उसका उदास चेहरा आपको दिखाई नहीं दे रहा। और कुछ मैं देख नहीं पा रही कि मेरी इकलौती बेटी उदास है? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं कुछ समझती नहीं हूँ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि वो खुश है? मरियम, मिस सबके, मेरी प्यारी बेटी, मुस्कुराओ ना। देखा तुमने, मुस्कुरा रही है वो, और तुम कह रही हो कि वो खुश नहीं है। मासद की मेरी बच्ची इतना रूप आ रहा है, दुल्हन बनेगी तो जगमगाएगा इसका चेहरा, तुम देखना कितनी खुश नसीब हूं मैं। पहले बेटे के सर पे सेहरा सजा और अब बेटी की शादी होने वाली है। और लड़कियों का क्या है, घर छोड़ते हुए सभी लड़कियां उदास होकर रोने लगती हैं, लेकिन माशाल्लाह ऐसी अच्छी ससुराल, इतना चाहने वाला शौहर मिला है मेरी बेटी को। राज करेगी, राज। बस खुदा किसी की नजरें बद से बचा ले इसे। है ना मरियम? जी। Thank you.
होते तो मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही। मना किया था ना, क्यों माँ बेगम को तंग कर रही हो? क्यों मरियम की शादी के पीछे पड़? मैं पीछे नहीं पड़ी हूँ। और नहीं तो क्या? कितना समझाया था कि कोई इशू क्रिएट मत करियो। मैं इशू क्रिएट नहीं कर रही हूँ मुर्तज़िम। अगर इस शादी से इशू है तो वो मरियम को है, वो किसी और को पसंद करती है जो तुम और माँ बेगम सुनना नहीं। हाँ, नहीं सुन सकते। किसी बाहर के बंदे के साथ उसका नाम नहीं सुन सकते। मरियम अनस को पसंद करती है। पसंद करती हो या ना करती हो, लेकिन प्लीज मीरम, इस बात को छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि मुझे मरियम की परवाह है। अगर उसकी परवाह है तो उसको कन्विंस करो, माँ बेगम की हेल्प करो, लेकिन इस बात को यहीं पे खत्म कर दो मीरम, प्लीज। मुर्तज़िम, बस उसकी शादी नौरे से ही होगी, और जब खानदान में इतना अच्छा लड़का है तो क्या तुम्हें क्या पता कि अनस नौरे से कहीं ज्यादा अच्छा हो। वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ आउटसाइडर है। मैं मरियम से वादा कर चुकी हूँ। मेरे से पूछ के किया था वादा तुमने? मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुम कितनी बड़ी बात कर रही हो मीरम? तुम्हारी जगह अगर कोई और होता और मुझे ये कहता कि मेरी बहन किसी और से बात करती है, किसी और में इन्वॉल्व है, तो मैं उसका क्या हाजिर करता? बस बहुत हो गया, अब इस बारे में कोई बात कोई बहस नहीं होगी। इसे मेरी लास्ट वार्निंग समझो। हाँ साबरा, लेकिन बात दरअसल ये है कि मैं बिल्कुल इस बात के हक में नहीं हूँ कि लड़की लड़के को शादी से पहले मिलने दिया जाए या कुछ वक्त गुजारने दिया जाए। हमारे थोड़ा पर्दे का भी ख्याल होता है, और फिर मुझे नहीं लगता कि ये बात कोई इतनी मुनासिब है। अभी तो देखो निकाह नहीं हुआ, निकाह के बाद मुझे कोई एतराज़ नहीं है। खैर से जो मर्जी करें, खुश रहें, फिर मैं क्यों रोकने लगी? फिलहाल मुश्किल है। चले, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अरे ये तुम दोनों कहाँ जाने के लिए तैयार हो गई? अब कहोगी हम पार्लर जा रहे हैं, तो देखो मैंने तो पार्लर घर में खोल लिया। आओ तुम भी, कोई काम है तो करवा लो, मसाज ले लो, फेशियल करवा लो, लड़कियां आई हुई हैं यहाँ पे। जी माँ बेगम, असल में मैं चाह रही थी मरियम कुछ कपड़े ले ले, तो हमें डिजाइनर्स को प्रेजेंट करना था इसलिए। अरे तो डिजाइनर को घर बुला लेते हैं, कपड़े मंगवा लेंगे ना उससे। हाँ लेकिन इतने सारे कपड़े घर तो नहीं आ सकते, और फिर ट्राई भी करने होते हैं, और डिजाइनर किसी एक डिजाइनर के पास थोड़ी जाना है, दो तीन जगहों पे जाना है माँ बेगम। ये तुम्हारी पूरी कोशिश है कि मैं इसे ना रोक सकूं? नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। आप जाहिर सी बात है, आपकी इजाजत के बगैर तो नहीं जा सकते। मरियम तुम बोलो, जाना है शॉपिंग के लिए? जी माँ, प्लीज हम जल्दी आ जाएंगे। चलो ठीक है, चली जाओ, लेकिन बख्त तो तुम दोनों के साथ जाएगा। मैं भी जाऊंगी। चलो अब तुम भी तैयार हो गई। जी माँ बेगम, मैं भी कपड़े ले लूंगी, ये दोनों जा रही हैं तो मरियम की शादी के लिए मैं भी कुछ पसंद कर लूंगी। हाँ लेकिन देर हो जाएगी हमें, मुझे कौन सा जल्दी वापस आने की, और साथ होंगे तो किस बात का डर। चलो इसे भी ले जाओ अपने साथ, अच्छा है, एक मशवरा देने वाला और हो जाएगा। जी माँ बेगम, और मरियम को तो हमेशा से मेरी चॉइस बहुत पसंद है। बिल्कुल माँ बेगम, हमें कोई एतराज नहीं है, तुम चल सकती हो साथ। अभी साबरा से बात हो रही थी, बहुत इसरार कर रही थी कि मरियम और नौरेस को कुछ देर अकेले में मिलने दिया जाए, थोड़ा वक्त साथ गुजारने का मौका दिया जाए। मैंने समझाया कि नहीं, हमारे इन चीज़ों का रिवाज नहीं है, ये चोंचले हमें पसंद ही नहीं है। शादी हो जाए खैरियत से तो फिर देखेंगे। तुम इसे अपने साथ लेकर जा रही हो? एहतियात से आना, जिस तरह जा रही हो ना इसी तरह लेकर आना इसे। जी चलो ठीक है, जाओ।
नीरव, हम तो नौरेस से मिलने जा रहे हैं, आप इसको क्यों लेके जा रही हैं? जाने दो, अच्छा नौरेस के सामने इसका झूठ कर करेगा। भक्त भाई गाड़ी निकाले। बाब में हड्डी तो मैं आज बनकर रहूंगी। छुप कर जिससे मिलने निकली हो ना तुम दोनों, आज उस मलिक जुबैर को मैं जरा अपनी आंखों से तो देखूं। चलो हया बीबी, ऐसे प्यार भरे लम्हे बार बार नहीं मिलते देखने को। मीरा मैं ये देख के आती हूँ। क्या करना है अब? जो तो बड़ा तजस्सुस है। किस बात का तजस्सुस? डिजाइनर से कपड़े लेने तो तुम नहीं आई, किसी से मिलने आई। किससे मिलने आई हूँ ये तो तुम्हें पता होगा। सॉरी दखल दे रही हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी शक्ल देखने वाली है। खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। मजा आ रहा है? बहुत। अभी और भी आएगा, जरा सामने देखो। अब मुझे तुम्हारा सच उगवाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें तुम्हारा सच तुम्हें खुद बताना पड़ेगा। सामने देखो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आप लोग बातें करें, मैं आती हूँ। एक मिनट, जल्दी वापस आना और अपना झूठ खुद नौरेस को बताना, वरना तुम्हारा सच माँ बेगम को बता दो। जाओ। चलें? चलें। मैं आपसे काफी टाइम से मिलना चाह रहा था, लेकिन माँ बेगम ने इतनी सख्ती की हुई है कि आपसे मुलाकात नहीं हो सकती। और वो उस दिन मैंने आपसे पूछा था शादी के बारे में, आपने एतराफ़ ही नहीं किया। आप मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हैं ना कि आपको हया ने कहा था? नहीं। क्या हया ने आपको कहा है ना कि मरियम आपको पसंद करती है, आपसे शादी करना चाहती है? घर पर तो आपने मुझसे यही कहा था नौरेज, अब आप क्यों मुकर रहे हैं? नहीं, मैं मुकर नहीं रहा। मरियम, उसने मुझसे ये नहीं कहा कि मैं आपसे शादी करूं, बल्कि वो तो चाहती कि मेरी शादी उससे ना। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। क्यों? क्यों क्या मतलब? आप फीलिंग रखती हैं मेरे लिए। एक साल एक तरफा मोहब्बत लेके आपने अपने दिल में रखी मेरे लिए, मैं आपको कैसे जाने दे सकता?
देखो नरेश, अगर हम आपको ये बताएं कि हाया ने आपको मिसगाइड किया, आपसे झूठ कहा, मरियम आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखती, तो क्या आप शादी से इनकार कर देंगे? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? वो तो उसके रास्ते से इसलिए हट गई ताकि आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। वो मेरे लिए कुछ नहीं करती, वो जो करती है अपने लिए करती है। आप सिर्फ जवाब दीजिए। मैं करना चाहता हूँ आपसे शादी। मोहब्बत करता हूँ आपसे। नरेश, मेरी बात बहुत गौर से सुनी। इनफैक्ट ये बात तुम्हें हया खुद बताएगी। हया ने तुम्हें जो भी मरियम के बारे में कहा वो सब गलत है, झूठ है। क्यों हया? क्या बोलूं? जो सच है वो बोलूं? मैंने सच बोला है। मजीद झूठ को नहीं छुपा सकती तुम, हया सच बताओ। उसमें कोई झूठ नहीं है, मैंने जो कहा है वो सच है। मरियम, सच है। अगर ये सच है तो मैं आपसे शादी करना चाहता। एक दफा बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं सिर्फ नरेश से ये पूछने के लिए गई थी कि उसने हया के लिए इनकार क्यों किया। नीरव, मुझे मत आजमाओ। लिसन, हया ने उससे कहा था कि इनकार करे। कुछ भी, कभी वो हया के पीछे है, कभी वो मरियम के पीछे है। हया ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। अच्छा, अगर उसने ऐसा किया होता तो वो मुझे आने का क्यों कहती? ओ, तो हया ने तुम्हें वहां बुलाया। और बहुत अच्छा किया, वरना तुम तो नरेश को ये भी बता देती कि मरियम किसी और लड़के में इंटरेस्टेड है। मैं सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश कर। मत करो ये कोशिश। मरियम की जिंदगी का बिल्कुल, और मरियम माँ बेगम की बेटी है। तुम इस सारे चैप्टर से दूर रहो। सब कुछ हया ने किया। चुप। तुम नहीं जानते। चुप कर सो यार। तुम्हें जितना नुकसान पहुंचाना है मुझे पहुंचा लो, लेकिन अगर इस घर के किसी भी इंसान को कोई भी खराश आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा
हाँ बोलो, कुछ चाहिए? चाय बना दूं? एक रिक्वेस्ट करनी थी। रिक्वेस्ट? तुम रिक्वेस्ट करते अच्छे नहीं लगते, हुक्म करते जचते हो। करो हुक्म। माँ को इसके बारे में मत बताना प्लीज। ऐसा तो कुछ नहीं जो मैं माँ बेगम को बताऊं और मीरब को मुश्किल में डाल दूं। बेफिक्र रहो। थैंक यू। मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। अमरीन आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। मरियम परेशान मत हो, तुम निका का जोड़ा आ गया है मीरा। मैं माँ बेगम से बात करूंगी, हया की सारी चलाकियां बताऊंगी, उन्हें हकीकत बताऊंगी कि है क्या असल में। मत बताइएगा। क्यों ना बताऊं? झूठ बोलती फिर रही है वो हया, और इस उसने क्या क्या झूठ बोले पता चलना चाहिए सबको। झूठी है हया, हमारे सामने मुकर गई। आपको क्या लगता है, माँ बेगम के सामने तस्लीम करेगी? बहुत बुरा फंस चुके हैं, उसने मुझे फंसा के अपना रास्ता साफ कर लिया। अब कुछ नहीं हो सकता, या तो मैं भाग जाऊं या तो मुर्तसिम भाई मान जाए तो कुछ हो जाए। से मिला था, सॉरी कह रहा था। कह रहा था कि मेरे भाभी को कुछ मत कहिएगा, मुझे मिलना था मरियम से। कुछ तो रिएक्ट करो। क्या वो आके बात नहीं करोगी? पल